खबर गाजीपुर जमाना से, जहां कोतवाली क्षेत्र के भैतपुर में गोली लगने से घायल राजाबिंद की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि जहां बुधवार की शाम ओवरटेक की बात को लेकर करीब 6:30 बजे लोहाड़ी सहित मजार के पास करीब आधा दर्जन मनबड़ी युवकों में से किसी ने राजाबिंद को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसकी ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर राजाबिंद की मौत की सूचना मिलते ही घटना से नाराज मृतक के परिजनों सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे भैतपुर पुलिया पर जमाना दिलदार नगर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही एसटीएम सैलेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्णा सहित अन्य थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गए। इस दौरान प्रशासन व चक्का जाम पर बैठे ग्रामीणों से घंटों हुई वार्ता के बाद दोपहर करीब 12 बजे गिरफ्तारी व मुआवजे के आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मृतक के छोटे भाई बाला की तहरीर पर 3 नामजद व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं 3-4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गाजीपुर जमाने से आजाद शाह की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के जमानिया थाना अंतर्गत भैतपुर गांव में कल मोटरसाइकिल क्रॉस होने पर धूल लूने को लेकर के राजकुमार बिंद, बाला बिंद आदि से मोटरसाइकिल चालकों की कुछ कहासुनी आपस में हाथापाई हुई थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार बाद में कुछ अन्य लड़कों को लेकर के 5-6 लोगों के साथ घर इनके ऊपर हमला किया और राजकुमार बिंद के ऊपर फायर कर दिया। कंधे पे उनको गोली लगी थी। ट्रॉमा सेंटर वाराणसी ले जाया गया जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में बाला बिंद राजकुमार बिंद के भाई हैं, उन्होंने तहरीर दे करके 3 लोगों को नामजद किया है और कुछ लोगों को अज्ञात 302 का अभियोग थाना जमनिया पर पंजीकृत कराया गया है। इसमें 3-4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी।